सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योर टेक कंज्यूमर में। और गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक चीपेस्ट म्यूजिक प्रोडक्शन पीसी के बिल्ड से रिलेटेड। सो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व किया था, क्या अगर आप एक म्यूजिक प्रोडक्शन पीसी लेने जा रहे हैं या फिर आपको एक सस्ता म्यूजिक प्रोडक्शन पीसी चाहिए तो फिर आपको किन किन कंपोनेंट्स को कंसीडर करना चाहिए या फिर आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स खरीदने चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्योंकि नया साल आ गया है तो नई चीज़ें अपडेट करनी चाहिए उस वीडियो को, तो मैं सेम टॉपिक पे एक और नई अपडेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपके सारे वही डाउट्स एंड वही क्वेरीज या फिर जो नई क्वेरीज हैं वो सारी की सारी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों, अगर आप एक एस्पायरिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर हो या फिर आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते भी हैं, आपको पीसी बिल्डिंग की हार्डवेयर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो और मुझे बड़बड़ाते हुए पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही टेक रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन पीसी या फिर किसी तरह का पीसी बिल्डिंग भी एक मेरा शौक है, इसको बताता रहता हूँ। सो आप टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सो जो भी नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड मैं 2013 के आसपास से म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे घोस्ट प्रोडक्शन किया हुआ है, काफ़ी सारा मैंने ओरिजिनल म्यूजिक भी बनाया हुआ है एंड रिमिक्स वगैरह भी मैं करता रहता हूँ। सो अगर आप मेरे म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं या मेरा म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन से कुछ लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरे ओरिजिनल्स एंड रिमिक्सेस वगैरह सुन सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सो गाइस, यहाँ पे हम कैटेगरी जो सेट कर रहे हैं वो हमारे एक व्यूअर कह सकते हैं सब्सक्राइबर ने हमसे इंस्टाग्राम में पूछा था, तो मैं उनके अकॉर्डिंग कैटेगरी सेट कर रहा हूँ एंड उनके लिए ही एक तरीके से पीसी है जिसमें हम आप सब की हेल्प करेंगे। तो पहले उनका मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ इंस्टाग्राम पे। सो पहले मुझे मिक्की लिखते हैं कि मेरे पास 15,000 रुपये हैं एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए रैप सॉन्ग मिक्सिंग करना है, मेरे पास पीसी नहीं है और अभी लेने का सोच रहा हूँ, मेरे पास 15,000 है बजट में, प्लीज़ अब सजेस्ट करो मुझे कि कौन सा पीसी और कैसा पीसी ले लूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ। तो मिक्की भाई, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले इस वीडियो में। और एक और मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे, म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए 70,000 का बजट है और इनका नाम है गोडू राहुल। सो राहुल भाई, आई एम सॉरी अगर आपका नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया हो, एंड मैं आपके 70,000 रुपये वाली ही क्वेरी सॉल्व करने वाला हूँ। एंड जिसका 30,000 रुपये का बजट है और 50,000 रुपये के अंदर का बजट है उनकी भी इसी वीडियो में क्वेरी वगैरह सॉल्व हो जाएंगी, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। जहाँ पे मैं जो आपको कंपोनेंट्स वगैरह बताऊँगा वो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो। तो पीसी में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की, एंड यहाँ पे जो पूरा पीसी होने वाला है वो इंटेल बेस्ड पीसी होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको आएंगे राइजन एंड उसके बारे में बताऊंगा। सो इंटेल का कोर i5-10400F हम लोग प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ अराउंड 12,000-15,000 रुपीज़, एंड ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी मार्केट्स में इसी ही प्राइस रेंज में मिल रहा है। एंड मदरबोर्ड की बात करें विच इज़ B460 चिपसेट, तो इस चिपसेट का आप ध्यान रखेगा, B460 चिपसेट का आप कोई सा भी मदरबोर्ड ले सकते हैं। एंड इसके जो प्राइसेस रहते हैं ऑनलाइन मार्केट में एंड ऑफलाइन मार्केट में विच इज़ 9,000-15,000 रुपीज़। एंड इसमें आपको दो ब्रांड सजेस्ट करूँगा विच इज़ आसूस एंड MSI, आप इन दोनों ब्रांड में से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं दोनों ब्रांड। अब हम बात करते हैं रैम की, विच इज़ 16 GB रैम, मैं 70,000 के बजट में आपको आराम से 16 GB रैम मिल जाएगी, विच इज़ अराउंड 5,000-6,000 रुपीज़, मतलब 5,500-6,500 रुपये बीच में आपको रैम देखने को मिल जाएगी 3200 MHz की। एंड एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आप कौन सी कंपनी का रैम लें, कौन सी कंपनी के मदरबोर्ड्स लें, तो मैं इन सब का
कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ कह सकते सजेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स मिल जाएंगे एंड आप इस वीडियो के बाद उन सारे डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं एंड फिर आपको जो सा भी प्रोडक्ट पसंद आए या फिर अच्छा लगे या आपको सस्ता लगे या सही लगे वो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं SSD की। अब SSD काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि फाइल्स वगैरह जल्दी लोड हों एंड सैम्पल्स वगैरह जल्दी लोड हों। तो SSD आप अपने हिसाब से सी ड्राइव एंड अपने मेन पर्पस के हिसाब से ले सकते हैं, विच इज़ अराउंड 240 GB बहुत मिनिमम एंड सही रहेगी, और आप 1 TB तक SSD ले सकते हैं जो भी आपके बजट के हिसाब से रहे। सो SSD अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपये से आपकी स्टार्ट हो जाएगी 128 GB की एंड आप आराम से 500 GB तक की SSD जरूर ले सकते हैं 5000 रुपये के अंदर। तो मैं 5000 रुपये ये भी लेके चलता हूँ। और PSU की बात करें तो आपको 550 वॉट की PSU जो है वो मोर देन इनफ रहेगी, विच इज़ अराउंड आपको 3000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी अच्छे से अच्छे ब्रांड की। एंड बहुत अच्छे ब्रांड की भी लेंगे तो आपको 3500 रुपये तक तो हर पावर सप्लाई 550 वॉट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर है उसके अंदर आपको IGPU देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको डिस्प्ले के लिए एक छोटा सा GPU लगाना पड़ेगा विच इज़ NVIDIA GT610 एंड वो आपको 2 से 3000 रुपये के देखने अंदर मिल जाएगा एंड 3500 का देखने मिल जाए। एंड यहाँ पे आपके आगे चॉइस भी रहती है कि अगर आप कभी आगे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो बस एक अच्छे से GPU के साथ जो भी 3060 या 3060 जैसे GPU के साथ यहाँ पे आप लगा के पूरे PC को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक फ्यूचर प्रूफिंग एंड अपग्रेडिंग का भी ऑप्शन रहेगा। और कैबिनेट जो रहेगी वो आपकी 5000 रुपये के अंदर, जो भी आपको कैबिनेट पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 5000 रुपये एंड 10000 रुपये के अंदर जो भी कैबिनेट्स हैं उनके बारे में बता रखा है। सो आपको अपने पसंद के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से जो भी कैबिनेट पसंद हो आप उस वीडियो में जाके देख के पसंद कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी कैबिनेट्स के बारे में आपको बताया है एंड आप उनमें से किसी भी कैबिनेट को ले सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क की तो बात नहीं करी, तो हार्ड डिस्क भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आपकी नीड आपको क्या लगती है कि आपकी 1 TB की नीड है या 2 TB की नीड है। आप 1 TB की अगर हार्ड डिस्क लेते हैं तो आपको 3500 से 4000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगी एंड 2 TB की लेते हैं तो वो आपको 4500 से 5500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगी। सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसी हार्ड डिस्क या कितनी हार्ड डिस्क लेनी है एंड कौन सी हार्ड डिस्क लेनी है। तो हार्ड डिस्क के मामले में आप नहीं जा सकते हैं एंड अगर आप इन सबको राउंड अप करेंगे, सम अप करेंगे, तो आपका 50 से 55000 रुपये बनेगा, तो कि 70000 रुपये के बजट को तो टच नहीं कर पाएगा। एंड इसमें अगर आप मॉनिटर जोड़ देंगे तो 10 से 12000 का मॉनिटर ऐड हो जाएगा एंड वो आपका 70000 रुपये का बजट मतलब सेट हो जाएगा। सो आई होप 70000 रुपये वाले जो हमारे भाई थे उनका डाउट क्लियर हो गया, या फिर आप में से जो भी भाई यार बहने जो 70000 रुपये के बिल्ड के लिए बैठी हैं या बैठे हैं तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे। अब जिनका बजट कम है 30000 के आसपास है, मैं उनकी बात कर लेता हूं। तो यहां पे 30000 के बजट के लिए आप कोर i3-10100F ले सकते हैं, विच इज़ आपको 7 से 8000 रुपये का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा मार्केट में एंड उसका जो चिपसेट का मदरबोर्ड है उसका नाम है H510। तो H510 चिपसेट का मदरबोर्ड आप मार्केट में ढूंढिएगा एंड वो आपको 5000 रुपये से लेकर 8000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आप ASUS एंड MSI इन्हीं दोनों ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड एंड वारंटी के साथ आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ देखने को मिलेगा। बाकी सेम चीज़ें वही रहेंगी, बस आप रैम जो है 16 GB से 8 GB कर लीजिएगा, जो कि आपको 2800 रुपये से लेकर 3000 रुपये के 3200 रुपये के अंदर मिल जाएगी अच्छी रैम। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बहुत सस्ती 2800 रुपये की रैम रिकमेंड करी है, तो आप उसी रैम को परचेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये रहा 30000 के अंदर, बाकी सारे कंपोनेंट्स वही रहने वाले हैं। पावर सप्लाई 550 से 450 वाट हो जाएगी और आपके प्राइस वहाँ पे भी कम हो जाएगा। तो ये पूरा 30000 रुपये के अंदर था। अब जो भाई हमारे 15000 रुपये की बात करते तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा भाई 15000 रुपये के अंदर आप कोई नया PC एक्सपेक्ट मत करिए एंड उसमें, क्योंकि अगर ले भी लेंगे तो परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं मिलेगी एंड वो फ्यूचर प्रूफ अगर चलेगा भी तो फ्यूचर प्रूफ नहीं रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूंगा आप थोड़े दिन रुपए अपने और सेव करिए एंड बजट एटलीस्ट अपने 30000 को खींच के लाइए एंड वहां पे आपका एक अच्छा PC बन जाएगा फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन, जिसमें आप बेसिक मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह भी कर लेंगे। मिक्सिंग तो एटलीस्ट कर ही लेंगे एंड बेसिक जो रिकॉर्डिंग सैंपल्स वाले या फिर कह सकते हैं बीट मेकिंग है वो बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी 30000 तक के PC में। सो आप उसको कंसिडर कर
सकते हैं एंड आप सेव कर लीजिए। बाकी अब कुछ लोग पूछेंगे राइजन के पीसीज का, तो राइजन का मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आप चाहें तो राइजन 5 3600 ले सकते हैं, बट वो महंगा पड़ेगा, राइजन 5 5600X भी महंगा पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं बताया। एंड आप लेना चाहते हैं राइजन के पीसीज तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कॉमेंट में पूरी राइजन की एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट पिन कॉमेंट में आपके लिए डाल दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, और मैं इतनी देर से बड़बड़ा रहा हूँ और अभी भी अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कैसे यार भाई हो यार, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ उनको अगर उनको पीसी वगैरह लेना है तो इस वीडियो को चेकआउट करें। साथ साथ अगर आपको सवाल सुझाव रह गया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग मुझे आगे फॉलो वगैरह करते हैं, तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स वगैरह देख सकते हैं चैनल पर क्या नया आने वाला है, तो मैं वहाँ पर पहले पोस्ट कर देता हूँ और वीडियो यहाँ पर बाद में आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पर बातें भी कर सकते हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई करता रहता हूँ वहाँ पर भी, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप अपने लिए कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी शॉप करते रहते हैं बस हमारे लिंक्स के थ्रू शॉप करिए एंड चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा। बाकी वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, एंड ऐसे ही उम्मीद करता हूं आप हमें और सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।